हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी। दिव्या, सोनम, अजेश, रूबी, विशाल, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो आ चुके हैं। मैंने सोचा आप सभी के लिए मैं 2-3 मिनट पहले जो है वह लाइव आ जाती हूँ, ताकि आप सभी से पूछ सकूँ कि आप सभी की जो स्टडी है वह कैसी चल रही है। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि जो लास्ट सेशन था हमारा, उसमें हमने यह देखा था। ऑडियो वीडियो इज़ फाइन, जल्दी से बता दीजिए, शुरू करेंगे हम। तब तक धीरे धीरे बच्चे भी जो है वह जुड़ जाएंगे। वैसे 11 बजे का टाइम होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले कर दिया क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट थे, वह वेट कर रहे थे। लक्षित, साजिया, उमेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो 27 जून की तैयारी आई होप आप सभी की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 27 जून जो भी बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे सेशंस, एक सेशन मैं भी लेकर आऊँगी यूपीएससी की स्ट्रैटेजी पर, चूँकि लास्ट मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था। एंड डे वाई आप कैसे डिवाइड करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कैसे वीकली आपको चीज़ों को कंक्लूड करना है, तो जस्ट फ्रेंड्स उस पर मैं वर्क कर रही हूँ। एंड बहुत ही जल्द हम उस स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। सो वीडियो ऑडियो क्लियर है क्या उमेश? ओके, आप लिख रहे हैं कि ऑडियो जो है वह क्लियर है। तो जैसा कि पॉलिटी हमारा चल रहा है, एंड पॉलिटी में लास्ट आपका 6, 7, 8 6, 7, 8, 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। एंड आज से आपका कौन सा पॉलिटी का क्लास स्टार्ट है? क्लास नंबर 10। ठीक है, क्लास नंबर 10 का जो एनसीईआरटी है वह हम शुरू करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। व्हाट यू विल गेट फ्रेंड, देखिए जो भी 27 जून को होने वाले पीटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपके पास लगता है कि आपके पास गाइड की कमी है, आपके पास कंटेंट की कमी है, आपके पास प्रैक्टिस सेट की कमी है, तो देखिए 6 मंथ के जो बैचेस चल रहे हैं, कितने 6 मंथ के जो बैचेस चल रहे हैं बच्चे, आप 6 मंथ का इवन ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पर जो यूपीएससी के चल रहे हैं पीटी स्पेशल, कुछ बैच हैं स्पेशली, सो आप इस पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्लस पे ध्यान रखिएगा, 6 मंथ का बैच जो है वह लेंगे आप, तो उसको आपको आपको कौन से बेनिफिट्स है, डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, आपका जो कोर्सेज है काफ़ी हद तक कवर भी हो जाएगा, लाइव टेस्ट एंड अनलिमिटेड एक्सेस है। हाँ, ये कर सकते हो इसमें सेपरेशन, जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा था कि मैं इतने सारे कोर्सेज होते हैं कि उसके लिए एक लंबा समय लग जाता है, चूंकि बच्चे सिलेबस ही इतना बड़ा है कि अगर आप सिलेबस ही पढ़ने बैठोगे तो शायद 2 से 3 दिन में, और इवन याद भी नहीं होता काफ़ी सारे बच्चों को तो सिलेबस। अभी अगर आपसे कुछ मेन टॉपिक्स पूछ ले जाए कि क्या आपके सिलेबस में ये मेंशन है या नहीं है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारा सिलेबस है बच्चे। सो देखो, इसके लिए आपको मोर देन सीरियसली 1 ईयर तो आपको देना ही होगा, ये मिनिमम मैंने आपको कहा था कि आपका पीटी और मेंस अच्छे से तैयार हो। तो जो भी बच्चे 6 मंथ का परचेज अगर करना आप चाहते हैं यूपीएससी पीटी 2020 के लिए, तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि आप टेलीग्राम पर एनसीईआरटी विद मंजू मैम पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। एंड जो भी आप मेंस के मत देखिए ना, अभी 6 मंथ जो भी आपके पास अभी बचे हुए जो 110 120 दिन रह रहे हैं बच्चे, तो आप अभी मेंस का छोड़ दो, गवर्नेंस छोड़ दो, और भी जो ऐसे मुद्दे हैं उन्हें छोड़ दो, मेंस स्पेशल क्लासेस छोड़ दो, केवल पीटी के लिए जो डेडिकेटेड कोर्सेज है क्लासेस है केवल उन्हें ही अटेंड करो। ठीक है, तो ये आपकी अपनी समझदारी होती है कि जब हमें पता है कि हिंदी मीडियम में ये प्रॉब्लम है कि हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है पीटी में, एक बहुत बड़ा हर्डल है, चूंकि हम समझ ही नहीं पाते समटाइम्स, ठीक है, कि क्या हम स्ट्रैटेजी अपनाएं क्या नहीं। सो टॉप 100 एजुकेटर्स के जो पीटी स्पेशल चीजें हैं, तो आप पीटी स्पेशल कंटेंट वीडियो है, इससे आप जुड़ सकते हैं। जैसे इकोनॉमी के लिए हर बार आप सभी को बोलते हैं मृणाल पटेल सर हैं, साइंस टेक के लिए आप रोमन सैनी सर के वीडियोस देख सकते हैं। सो बच्चे, जो आपका सिलेबस है वह काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कराया जाता है, सभी के जो सभी सब्जेक्ट्स के काफ़ी सारे कोर्सेज जो है वह अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं इन सभी कोर्सेज से। और अगर बच्चे आप जैसे प्लस का मान लीजिए लेना चाहें, तो 6 मंथ का जो फीस है 36K आप EMI में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कीजिए मेरा कोड Manju101 10% डिस्काउंट के लिए, और संपर्क कीजिए मुझसे एनसीईआरटी विथ मंजू मैम के टेलीग्राम चैनल पर, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर PDF एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन मेरी सभी क्लासेस की आपको मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक भी बच्चे आप ले सकते हैं, आइकॉनिक में आपको जो मेंटर है वह मिल जाएगा, इसका फी है 67। तो जो बच्चे आगे आने वाले समय के लिए 22-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी सीएससी का जो प्रीलिम्स 2021 का जो नोटिफिकेशन है वह रिलीज हो चुका है। टोटल 712 पोस्ट है, और इस 712 पोस्ट में जो 22 पोस्ट है वह डिसेबल्ड पर्सन के लिए रिजर्व है, तो आपको बाकी बचे हुए पोस्ट के लिए फाइट करना है।
क्लियर। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि लास्ट जो प्रीलिम्स की डेट है वह अभी से लेकर, यानी जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया उस दिन से लेके 24 मार्च, 24 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो लास्ट का इंतजार ना कीजिए, जो भी बच्चे भरना चाहते हैं वह जल्दी से इसको भर देंगे, ठीक है। चलिए सो देखिए, यूपीएससी को सीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए 10 मार्च से जो हमारे बैचेस हैं वह 4 मंथ के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। आप किसी भी मीडियम के हो, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ मीडियम के जो बैचेस हैं वह लॉन्च हो रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रीलिम्स फोकस्ड बैच होंगे, लाइव क्लासेस होंगे हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ के लिए याद रखिएगा कि फी जो है, एक बार फिर बता देती हूँ, 36 है, 36,000 ईएमआई में भी आप पे कर सकते हैं, क्लियर। एंड साथ ही साथ कोड अप्लाई करना ना भूलें, जो कि है मंजू 101। चलिए अब हम आते हैं, तो अब तक हमने क्लास 6, 7, 8 और 9 को देखा। अब आज से जो हम देखेंगे वह होगा आपका कक्षा 10, क्लास 10, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 लास्ट आपने देखा था। आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 की, यानी क्लास 10 की एनसीईआरटी की, ठीक है। अब देखो इसमें है जो 8 अध्याय हैं, हाँ 8 ही हैं, ठीक है, जो 8 अध्याय है। तो आज मैं आपसे बात करूंगी शुरुआती 2 अध्याय की, एक तो होगा सत्ता की साझेदारी और दूसरा होगा संघवाद, फेडरलिज्म, ठीक है। ये आपकी समझ बनाने के लिए और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, संघवाद। नेक्स्ट इसके इकाई 2 में होगा लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये हम कल देखेंगे। आज 8 तारीख है, अच्छा आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, तो सभी जो फ्रेंड्स देख रही हैं गर्ल्स, उन सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इकाई 2 जो है वह आपकी कल पूरी हो जाएगी, जो चैप्टर से बच्चे इसे हम पीटी मेंस के क्वेश्चंस के साथ साथ, अब देखिए स्पेशली फोकस्ड मैं आपका पीटी पर करने वाली हूँ, क्योंकि आपका यूपीएससी पीटी में अगर मैं आपको लगभग 50 भी अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा दूं, वो मैं प्लस पर कराऊंगी, यहां पर नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो प्लस पर आज मेरी शाम को क्लास होगी, मैं आप सभी को अभी क्लास के बाद 3 या 4 बजे तक आप सभी को उसमें लिंक जो है या फिर इंफॉर्मेशन जो है वह शेयर करूंगी, तो आप सभी उसमें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। प्लस पर होगी अनअकैडमी, और अनअकैडमी के प्लस पर जो भी मेरी क्लासेस होती है उन सभी से जुड़ने के लिए, आप फ्री क्लासेस देखने के लिए मंजू 101 कोड से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें इकाई 3 है जनसंघर्ष और आंदोलन और राजनीतिक दल, ये हम एक साथ देख लेंगे 8, 9, 10 एंड 11। एंड 12 से आपका 12 तारीख से हम शुरू करेंगे कक्षा 11, ठीक है, कक्षा 11 को शुरू करेंगे, इसका रिवीजन नहीं देखेंगे, कक्षा 11 को हम शुरू करेंगे। 11th में आपकी 2 किताबें हैं पॉलिटी की, और 12th में आपकी 2 किताबें हैं। सो आई थिंक ये जो आपका एनसीईआरटी है ये नेक्स्ट 15 डेज में, आई थिंक 4 डेज तो यही हो रहे हैं, हाँ ठीक है। सो इसके बाद बच्चे शायद नेक्स्ट 12 या 15 डेज में आपका जो पॉलिटी एनसीईआरटी है वह अब आगे खत्म हो जाएगा इसके बाद, है ना, 11 और 12 में, चूंकि अभी भी आपकी 4 जो उसमें किताबें हैं वह बाकी 11, 12 में 2-2 एनसीईआरटी की बुक्स है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि बाकी जो बच्चे हैं वह जुड़ जाए, तो आप सभी काफ़ी शांति है, चूंकि ये शांति आप सभी की नहीं है, है ना, वो ज़बरदस्ती थोपी गई शांति है ग्रुप में। 1-2 दिन में फिर से मैं करूँगी उसमें मैसेजेस के लिए, तो जो आपके नेसेसरी मैसेज हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन करूँगी, केवल सीरियस बच्चों के लिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं अगर आपने नोटिफिकेशन ऑफ नहीं किया है तो फिर उसकी वजह से सभी को डिस्टर्बेंस होता है, आप सभी जो उसमें चैट करते रहते थे, तो इसलिए मैंने उसमें जो मैसेजेस है वह अभी बंद कर रखे हैं, ठीक है। चलिए सो सत्ता की साझेदारी और संघवाद फिर है, ये हो गया, ये हम आज बात करेंगे, ठीक है। अध्याय 7 और 8 में ही लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां ये एक साथ देख लेंगे। देखो मेंस के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र की विविधता हो, फेडरलिज्म हो, और लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, परिणाम क्या है, क्योंकि अगर हम भारत देश की बात करें तो क्या आप एक लाइन में इसका विवरण देंगे, यही ना कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ही हमारे यहाँ है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, सत्ता की साझेदारी। देखो जब हम सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं, यानी कि हमारे इंडिया की हम बात करते हैं, क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी जो लोग हैं
लोगों का शासन है, लेकिन जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है वो कोई एक नहीं है। तो लोकतंत्र की क्या विशेषता है कि एक पर्टिकुलर समय के बाद में जो चुनाव है वो होते रहते हैं, और उस चुनाव की वजह से विभिन्न जो सत्ता दल है वे अस्तित्व में आते रहते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमने बात की थी कि अगर हम चीन की बात करें कि वहां पे कम्युनिस्ट की सरकार है, वहां पर हम देखें कि जो शासक दल है वह कभी नहीं हारता, या फिर हम ये देखें कि वहां पर केवल एक ही पार्टी की सरकार है, दूसरी पार्टी है ही नहीं, तो फिर हम कैसे कहें कि वहां पर पर्टिकुलर लोकतंत्र है। और अगर भारत में लोकतंत्र है, लास्ट हमने क्या देखा था कि क्यों हम भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक कह सकते हैं, क्यों यहाँ की जो प्रक्रिया है लोकतांत्रिक है, तो उसकी कुछ बातें थी, उसकी कुछ विशेषताएं थी, जिसमें एक टॉप मोस्ट विशेषता थी कि सभी को विशेषाधिकार, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं है और सभी यहाँ पर समान है, सभी को जो वोटिंग राइट है वह अवेलेबल है, एंड साथ ही साथ सभी के वोट का जो मूल्य है वह समान है ना, एक ही एक वोट बराबर एक मतदाता होगा, और चाहे वह किसी भी कंडीशन का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, डजंट मैटर। तो ये सारी जो विशेषताएं कुछ है वह इंडिया में मौजूद है। आज हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी की, तो इसमें शुरुआत में कुछ जैसे बेल्जियम, श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका, इन सब का जो उदाहरण देकर आपको समझाया गया है उसे हम नहीं देखेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर में दो बातों को समझेंगे कि फर्स्ट तो है चैप्टर नंबर वन, थोड़ा सा लिख लो, अगर हम सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं यह क्यों आवश्यक है। क्या एक ही जो व्यक्ति है या फिर एक ही सत्ता नहीं रह सकती, उसकी लोग साझेदारी क्यों करते हैं, है ना, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, और अगर सत्ता की हमारे यहां साझेदारी है तो सत्ता की साझेदारी का रूप क्या है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो सत्ता की साझेदारी है, इस साझेदारी का रूप क्या होगा। क्लियर, पहले हम इस रूप वाली बात को समझेंगे, चूंकि ये पहले है, सीरियल से ही चलते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, इकोनॉमी का इसके बाद स्टार्ट कीजिएगा नीर शाह। जैसे मैंने कहा कि आपको सैटरडे संडे, जैसे लास्ट स्पेक्ट्रम का क्लास हुआ था, चूंकि उसमें थोड़ा सा मैंने अभी फैक्चुअल ही रखा हुआ था, कोशिश करूंगी कि आप सभी को मैं भी इजी शब्दों में समझा सकूं, एंड साथ ही साथ ऐसे ही लास्ट में, चूंकि इकोनॉमी का जो एनसीईआरटी है बहुत ज़्यादा नहीं है ना, इकोनॉमी का जो एनसीईआरटी है बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से दो क्लास लगेंगे या तीन क्लास, उसमें मैं आपका 10-11 का जो एनसीईआरटी है वह कवर करा दूंगी, स्पेशली माइक्रो मैक्रो, क्लियर है, तो वो मैं जल्दी से कवर करा दूंगी, तो उसके लिए तनाव ना लें, कोई भी एक स्पेशल क्लास किसी भी दिन करा के, इवन पीटी के पहले मैं जरूर है कि इकोनॉमी करा दूंगी, क्योंकि काफी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है। तो देखो, जब हम सत्ता की साझेदारी के रूप की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट तो हमें इसमें यही रूप समझ में आता है, सत्ता की साझेदारी में सबसे पहला ये बताओ कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, तो हो सकता है ना कि लोग जिसे चुने वह अलग व्यक्ति हो, हर बार सेम व्यक्ति तो नहीं हो सकता, हर बार सत्ता में सेम व्यक्ति या सेम पार्टी की सरकार तो नहीं होगी। तो जब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और साथ ही साथ लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है, जनता, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, प्रस्तावना का पहला शुरुआती अक्षर तो यही है ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आगे सारा रिवाइज कर लो एक बार अपने मन में। सो जनता जो है वह शक्ति का स्रोत है, अगर जनता शक्ति का स्रोत है तो ऑब्वियसली बात है कि जनता को यह अधिकार है कि वह किसे चुन रही है, किसे सत्ता सौंपना चाहती है, तो एक साझेदारी के रूप में यह आवश्यक होता है। सेकेंड हम देखें कि चूंकि हमारे यहां एक क्षैतिज बंटवारा है, भारत में शक्तियों के बीच में एक जो क्षैतिज बंटवारा है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका,
विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में शक्तियों का जो क्षैतिज बंटवारा है, तो इसके लिए एक चेक एंड बैलेंस के रूप में, एक चेक एंड बैलेंस, ठीक है, इसके रूप में सत्ता की साझेदारी जो है वह हमारे यहाँ विद्यमान है, यानी एक नियंत्रण और जो संतुलन की जो व्यवस्था है वह हमारे यहाँ कायम होती है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, क्लियर है। तो ये क्या है, क्षैतिज बंटवारे के रूप में भी हमारे यहाँ है, लोकतंत्र के रूप में भी हमारे यहाँ सत्ता की जो साझेदारी है वह की जाती है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है इसमें कि अनेक स्तर की हमारे यहाँ सरकारें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनेक स्तर की चूंकि हमारे यहाँ सरकार है, जैसे हम देखें केंद्र स्तर की भी है, राज्य स्तर की भी है, ठीक है, केंद्र स्तर की भी है, राज्य स्तर की भी है, फिर स्थानीय स्तर की भी सरकार है। तो इसके कारण अनेक स्तर की सरकार, लोगों की भागीदारी होती रहती है सत्ता में, अनेक स्तर की चूंकि हमारे यहां सरकार है, ठीक है। एक ये रूप हो गया सत्ता की साझेदारी का। अब देखो जैसे जब हम दबाव समूह की बात करते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप समाज में होते हैं, जो सरकार पर दबाव बनाते हैं किसी भी तरह से आंदोलन करके, चाहे किसान संगठन हो, वर्तमान में तो वही है। तो जब हम दबाव समूह की बात करते हैं तो यह भी एक तरह से सत्ता में ही शामिल है, और यूपीएससी इसमें मेंस के लिए क्वेश्चन पूछ देता है कि आजकल की जो नीतियां हैं वह इन प्रेशर ग्रुप्स से ज्यादा प्रभावित होती है। मान लीजिए कि अभी जो किसान आंदोलन है इसके इतने जोर शोर के चलते देखा कि नहीं अब तो ये शांति नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल इस पर हस्तक्षेप कर दिया और इस पर एक स्टे ऑर्डर जो है वह लेकर आई। तो ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप्स हमारे यहाँ समाज में जो नीतियां हैं, जो भारत देश में नीतियां हैं, वह निर्धारित कर रहा, ऑब्वियस है ना, बिल्कुल कर रहा है। तो बस यूपीएससी यही आपसे पूछता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये तो क्लियर होना चाहिए कि आखिर इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। बेसिक फॉर्मूला ये है कि चूंकि लोकतंत्र है, लोगों का शासन है भारत में, और वही हम जनता जब शक्ति का स्रोत है, तो सत्ता की साझेदारी के रूप में जो दबाव ग्रुप है, जो समूह है, आप करंट अफेयर से भी इसको जोड़ दीजिए, तुरंत आप इसे जोड़िए वर्तमान में किसान आंदोलन से, कि किस तरह से किसान आंदोलनों के चलते फिर उसके बाद न्यायपालिका आ गई, तो फिर से चेक एंड बैलेंस हो गया, यानी जो सत्ता की साझेदारी उसमें सभी शामिल हो गए, भले इसके बीच में क्षैतिज बंटवारा हो, लेकिन इन द लास्ट जब हम देखते हैं कि नहीं अब जो विवाद है वह नहीं थम रहा, तो फिर कार्यपालिका और विधायिका के बाद जो गेंद है वह न्यायपालिका के पाले में होती है, और उसके बाद फिर जो जुडिशरी है वह उस पर, चाहे एक्टिविज्म की बात करें या फिर हम अमेंडमेंट्स की बात करें या और भी व्यवस्थाओं की बात करें, तो उसमें जो परिवर्तन है वह करते हैं, क्लियर। ठीक है, तो ये यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। आइए और भी जो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखो रूप हमने देख लिया, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसे भी हम समझते हैं। देखो मेन चीज ये भी है कि जब हम सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि जो चीजें हैं वह शांति से चलती रहे, ठीक है, जो चीजें हैं वह शांति से चलती रहे, हम चाहते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में जो टकराव है वह ना हो, हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ सामाजिक समूह है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव ना हो, क्लियर। और हमने क्या देखा था कि जब लोकतंत्र को हमने क्यों अपनाया, हमने इसके प्रोस एंड कॉन्स पर बात की थी, हमने बात की थी इसके पक्ष और विपक्ष पर, और हमने इसमें यह भी देखा था कि अगर आप चाहते हैं
कि लोकतंत्र अपना या फिर आपके यहाँ एक से ज्यादा जो सामाजिक समूह या फिर समुदाय है रह रहे, जो कि हर सभी देश में है, कहीं पर कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर केवल एक ही समुदाय हो, विभिन्न समुदाय रहते हैं, उनके अपने अपने हित रहते हैं, अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने ट्रेंड्स। तो इसके चलते सामाजिक समूह में मतभेद को सुलझाने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका क्या है? डेमोक्रेसी है। क्लियर? तो देखो, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव ना हो, इसके लिए सत्ता की साझेदारी जो है वह आवश्यक है कि सभी को मौका जो है वह मिलता रहे। अब देखो, अगर केवल बहुसंख्यकों को मौका मिले तो वह भी गलत है। तो एक तरह से सत्ता की साझेदारी इसलिए भी आवश्यक है कि केवल और केवल जो मेजोरिटी में लोग हैं, जो केवल बहुसंख्यक लोग हैं, ये किसी भी तरह से निरंकुश ना हो जाए। वो निरंकुश होना इनके लिए भी घातक है, ठीक है। कहीं का भी जो बहुसंख्यक समुदाय है, अशोक के शिलालेख से भी इस चीज को जोड़ सकते हैं, जो वो जानकारी देता है अशोक की, इस बार पूछा भी था यूपीएससी ने कि किस शासक ने लोगों को अपने अभिलेख के माध्यम से यह शिक्षा दी, यह समझाया कि अगर आप केवल अपने ही धर्म की बड़ाई करें, दूसरे की धर्म की बुराई करें, तो वह आपके धर्म के लिए घातक है। बस वही बात इसमें भी शामिल हो जाती है कि जब हम मेजोरिटी और माइनॉरिटीज की बात करते हैं, तो जो बहुसंख्यक समुदाय है, अगर ये अपने ही हितों को देखेगा, इसमें भी कोई किसी भी तरह की, चाहे हम सहिष्णुता की बात करें, सर्वधर्म सद्भाव वाली बात करें, या फिर अपने ही ग्रुप के लिए अगर सोचेगा, तो चीजें जो है समाज में सही नहीं चल पाएंगी। कहीं ना कहीं ये इनके लिए भी घातक साबित होगा। तो इसके लिए सत्ता की जो साझेदारी है वह आवश्यक होती है कि सभी व्यक्तियों को सत्ता में साझेदार होने का जो मौका है वह मिलता रहे। क्लियर? अब देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, जैसे आप, अच्छा एक चीज और, जैसे बहुसंख्यक की हम बात करें, आपने आतंकवाद सुना, उग्रवाद, नक्सलवाद, माओवादी, ये सब क्या है? असंतुष्ट लोगों का एक ग्रुप ही तो है, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें सही हो, तो आप सत्ता में सभी को शामिल कीजिए। ऐसा वर्ग की, मान लीजिए धनाढ्य लोग नहीं शामिल करना चाहते, आरक्षण की व्यवस्था है, चाहे हम आदिवासियों के लिए कहें, अलग से रिजर्व सीट की बात की, इवन जब एंग्लो इंडियंस के लिए भी हमारे देश में लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित की जाती हैं, की जाती थी, ज्यादा सही शब्द है, 104 संविधान संशोधन आप सभी को पता होगा, जिसमें आरक्षण जो SC ST के लिए लोकसभा में नेक्स्ट 10 ईयर के लिए बढ़ा दिया, फिर से इस बार 2020 के बाद खत्म हो रहा था ना आरक्षण की जो 10 साल की व्यवस्था थी, तो उसे फिर से आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया। और इसके बाद जब हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियंस तो भारत में केवल 276 ही है, तो फिर हमने क्या किया कि अस्थाई रूप से एंग्लो इंडियन के जो 2 लोग राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में, उसे हमने रोक दिया कि ठीक है, जब आवश्यकता होगी, करंट अफेयर से भी तो अपडेट रहना है, क्योंकि UPSC PT में पॉलिटी से, चाहे हम कमेटीज की बात कर ले, पॉलिटी से चाहे हम अमेंडमेंट्स की बात करें, स्पेशली अगर नए कोई अमेंड हुए हैं तो वहां से क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है। तो देखो, बहुसंख्यक समुदाय हो गए, ठीक है, कि सभी को मौका मिले, इसके लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और अगर हम लोकतांत्रिक देश हैं, तब भी सत्ता की साझेदारी का भी काफी आवश्यक हो जाती है। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं, आइए थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। तो पहले, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखो, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हम 2 तर्क देते हैं। पहला है कि सत्ता का बंटवारा करना ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव का अंदेशा जो है वह कम हो जाता है, है ना? क्या है? क्योंकि सामाजिक समूहों के बीच में टकराव का जो एक अंदेशा रहता है वह इससे कम हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ठीक ही तो है सत्ता का बंटवारा, क्या गलत है इसमें? सत्ता की साझेदारी, सभी को मौका मिलना चाहिए, चूंकि सामाजिक टकराव से आगे बढ़कर, अच्छा ये बताओ कि आज केवल सामाजिक टकराव है, मान लीजिए आपकी किसी के साथ बहस है, मतभेद है किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन वह मतभेद अगर गहरा जाए या फिर वह अगर कोई और विकराल जो रूप है वह धारण करे, तो कहाँ पहुंचेंगे? ऑब्वियसली बात है, हिंसा पर। बस वही बात है कि हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। इससे एक कदम अगर आगे हम चले गए, अभी तक केवल मतभेद थे, लेकिन आपने देखा ना, किसान आंदोलन ही देख लो, कि जब किसान आंदोलन की हम बात करते, पहले आप देख रहे कि एक वक्त तक शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके बाद, मैं रीजंस पर बात नहीं करूंगी कि क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या 26 जनवरी को हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सब मुद्दों पर नहीं बात करूंगी। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि जैसे उससे एक स्टेप पर हम आगे बढ़ते हैं और उस स्टेप के बाद वो हिंसा हो जाती है और राजनीतिक अस्थिरता का एक रूप
अपने सामने रख लेते हैं। और किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता बिल्कुल भी सही नहीं होता है, चाहे हम वह आर्थिक विकास की बात करें या फिर सामाजिक विकास के लिए कहें। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना ही राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। सो सामाजिक समूहों के बीच में फर्स्ट चीज हमने देखा, फिर से समझो कि सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है। अगर आप कहें कि नहीं एक ही ग्रुप शासन करता रहे वो भी चीज सही नहीं है, खुद सत्ता के लिए राजनीतिक स्थिरता के लिए वह अच्छा नहीं है। अगर एक ही ग्रुप शासन करेगा ऑब्वियसली बात है आगे जब मतभेद टकराव होगा हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का वह रूप ले सकता है। इसलिए भला इसी में है कि सभी को हिस्सा दिया जाए, है ना। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर आपको लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर तो देखो ये देश की एकता अखंडता के लिए भी खतरा है। अगर हम आज अखंड भारत की कल्पना करते हैं, हम कैसे अखंड भारत की कल्पना करेंगे? मान लीजिए हम एक हिंदू देश बना देते हैं। एक सेकंड के लिए सोचो कि हमने भारत को केवल हिंदू देश बना दिया, ना इसमें हमने माइनॉरिटीज के लिए, ना हमने बैकवर्ड क्लासेस के लिए, हमने किसी के लिए कोई सत्ता में साझेदारी नहीं दी। आप खुद सोचिए कि आज तो ठीक है, हो सकता है कि वर्तमान में आपको कुछ क्षणिक लाभ ही बस मुझे लगता है उसका आपको मिल पाएगा, क्योंकि अगले ही दिन से जो विद्रोह का जो झंडा बुलंद होगा फिर भारत एक रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अनेक देश बन सकते हैं फिर तो सब कहेंगे अगर सत्ता में साझेदारी नहीं है तो फिर इससे अच्छा तो हम अलग होकर अपना विकास कर लें। देखो जैसे हम आंध्र तेलंगाना की बात करें, ठीक है, तेलंगाना या फिर इस क्षेत्र को लगता है कि अरे हम पर तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, क्यों ना हम अपनी खुद की सरकार बना लें। अब यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा हो गया कि चलो ठीक है मैं खड़ा हूँ, मुझे वोट करो, हम आंदोलन करते हैं, मैं जो है यहाँ का डेवलपमेंट करूंगा। तो अगर आपने डेवलपमेंट नहीं किया है या फिर किसी भी एक इलाके को भी अगर आपने पीछे छोड़ रखा है तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि यहाँ से आवाज बुलंद होनी ही होनी है। तो इसलिए सरकार क्यों देखती है कि हम सभी क्षेत्रों का विकास करें, हम क्यों पूर्वोत्तर पर ज्यादा फोकस करते हैं कि अरे ऐसा ना हो ये टूट कर या तो किसी में, वैसे भी असम या अरुणाचल वगैरह की बात करें तो उनका कल्चर इंडिया से ज्यादा चाइना से मैच खाता है, वहां के बच्चों को भी चाइनीज आती है। तो एक क्षेत्रीय जो जुड़ाव होता है ना, आपका भौगोलिक जो एक जो सीमाएं जुड़ी होती है उसका असर तो होता ही है ना, लोग भी आते जाते हैं, ये सारी बातें रहती है। तो यही है बच्चे कि हम क्यों सत्ता में साझेदारी रखते हैं सभी की, उसके पीछे यही एक कारण है कि हमारा जो अखंड भारत है, जो एक भारत है प्रस्तावना में भी भारत के लिए एकता अखंडता की बात की गई है, तो यह बना रहे। क्लियर सभी को कि क्यों सत्ता हमें साझा करनी है सबके साथ। अब आगे देखो, बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है, ठीक है समझे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे हम नक्सलवादियों की बात कर लें, माओवादियों की बात कर लें, ये सब क्या है, ये सब ग्रुप्स क्या है, वहां के जो बहुसंख्यक लोग हैं अगर आपने कुछ लोगों को कर दिया पीछे तो फिर वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध है ये चीज। अगर समाज में असमानताएं होंगी तो डेफिनेटली बात है कि अपराध भी बढ़ेंगे। अगर समाज में एक ऐसा वर्ग है कि 10% लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति है और कुछ लोग बिल्कुल एकदम कुछ नहीं है इनके पास किसी भी तरह की अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए भी अगर ये सफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है फ्रेंड्स कि आगे जाकर ये जो वर्ग है वह जरूर ये कहेगा, कोई ना कोई जरूर इस मार्क्स वाले नीतियों को फॉलो करेगा, ठीक है, चाहे अपराध की बात करें क्रांति की बात करें चीजें जरूर विकराल रूप तो धारण करेगी ही करेगी। तो अच्छा है कि बहुसंख्यकों का जो आतंक है वह ना हो, है ना, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों को केवल परेशानी नहीं करता बल्कि उससे खुद भी उसको बर्बाद कर सकता है। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने एक तो इसको युक्तिपरक तर्क कहा कि समाज में चूंकि समूह में टकराव ना हो, है ना, समाज में जो सामाजिक विभिन्न समूह इनके बीच में टकराव ना हो, हिंसा अस्थिरता ना हो, राजनीतिक अस्थिरता जो है वह पैदा ना हो इसके लिए। और दूसरा तर्क कहता है कि ये बहुसंख्यक जो है वह कर सकते हैं ऐसा कि अपने ही पक्ष में नीतियां बना ले, खुद ही सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये खुद इनकी भी परेशानी का सबब बन सकता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि पहला जो तर्क था वह तो कैसा था, एक हमें युक्तिपरक लगता था लेकिन ये हमें एकदम थोड़ा सा इथिकल टाइप का लग रहा है, एक नैतिक तर्क लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए वाली बात, ठीक है। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। जैसे सत्ता की साझेदारी की हम बात करते हैं, ये लोकतंत्र की आत्मा है,
लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच में सत्ता को बांटा जाए। देखो लोकतंत्र में हमने ये नहीं कहा था कि आपको रिप्रेजेंटेटिव ही भेजते हैं, लोकतंत्र में तो प्रत्यक्ष रूप से भी आप शासन कर सकते हैं, बट जब हमने देख लिया कि देश की जनता इतनी है, सभी को समझ नहीं है, सभी लोग इतने शिक्षित सुशिक्षित नहीं है कि वह आगे जाकर खुद ही जो है वह सत्ता को संभाल सके या फिर खुद ही गवर्न कर सके, तो हमने अपने कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव है वह संसद में भेज दिए, उसे चुन दिया, हमने विधायक चुन लिया, है ना, वो सब हमारे लिए जो निर्णय है वह ले लेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें होती है, या फिर हमने एक तंत्र बना दिया, एक ऐसी सरकार बना दी, सरकार मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे आप गवर्न करने की जो अथॉरिटी है, जो राइट है, आप उसे देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी थी। तो लोकतंत्र में तो प्रत्यक्ष शासन ही होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है आप प्रत्यक्ष शासन मतलब दोनों इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने क्या कहा कि सत्ता का जो बांटा जाना है वह तय है। ठीक है, तो इसलिए सत्ता की जो साझेदारी है वह होनी ही चाहिए सभी समूहों के बीच में। अब रूप की हम बात करते हैं और हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। देखो बंटवारा कैसे करोगे, बंटवारा जो टर्म है वो सही नहीं है, साझेदारी जो टर्म है वह ज्यादा सही है। ठीक है, साझेदारी का जो विचार है वो ज्यादा सही है। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की जो शक्ति है वह बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं। देखो ये बात लोकतंत्र की कमी बता रहा नहीं बता रहा, लोकतंत्र में जब हमने एक विपक्ष में तर्क देखा था हमने क्या जाना था उसमें कि चूंकि लोकतंत्र में इतने सारे लोग हैं और सभी को समझ नहीं है तो ऑब्वियसली बात है एक व्यक्ति जो समझदार है वह अकेला फैसला ले लेगा, वजह इसके कि वह 20 लोगों से पूछे आज ये करूं ना करूं, है ना, वजह इसके कि क्या ये काम करना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो एक जो देरी है वह अवश्य ही होती है, लेकिन लोकतंत्र की एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का, जो जनता है वह सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। अब ये लाइन जो है वह यूपीएससी ने पूछी थी, अब आप बताइए कहां आपको अलग से पढ़ने जाना है। यूपीएससी ने पूछा कि लोकतंत्र में शक्ति का जो स्रोत है, राजनीतिक शक्ति का स्रोत वह कौन है, संविधान, न्यायपालिका, जनता। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और उनके सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में जो हिस्सेदारी है वह मिल जाए। यानी जब हम कहेंगे कि हम साझेदारी व्यवस्था में, ठीक है, साझेदारी व्यवस्था में जो लोकतंत्र है वह चलाएंगे वो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के हैं कुछ रूप और उसी रूप की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट तो है शासन के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में सत्ता का बंटवारा है। अच्छा, आप सभी ने शक्ति पृथक्करण सुना, सेपरेशन ऑफ लॉ पढ़ाया है ना मैंने पहले, ये पुराना मत भूल जाना, ध्यान रखना एक वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोलूंगी नहीं, खुद ही पढ़ लो आप सभी, इसके बिना तो कुछ आपका हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली अगर रिवीजन नहीं करोगे 6, 7, 8, 9 जो अब तक पढ़ चुके हो, एक दिन शायद, मुझे लगता है एक दिन लगेगा। कितने बच्चे हैं जो आज रिवीजन करेंगे, कितने बच्चे हैं जो आज रिवीजन करेंगे बताइए कितने। आइए मैं एक मिनट आप सभी के जो कमेंट्स है वह देख लेती हूँ। आज सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको क्या करना है 6, 7, 8, 9 चार क्लास का जो आपके पास नोटबुक है वो आप जरूर, ओके, काफी सारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड, पढ़ेगा आज जरूर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सत्ता का बंटवारा, इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का जो उपयोग है वह करते हैं।
ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। अगर हमने चाहे हम सेपरेशन ऑफ लॉ की बात करें, ठीक है, सत्ता के बंटवारे की बात करें, क्षैतिज वितरण की बात करें, हमारे यहाँ अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ देखो जो यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आता है कि क्या भारत में न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये तीनों क्या पृथक है, तो भारत में ये एकदम लागू नहीं है, बल्कि हम कहेंगे कि कुछ पृथक्करण है, कुछ तालमेल है। तो बेसिकली हमारे यहाँ समन्वय पर कार्य होता है, ठीक है। अगर समन्वय पर कार्य नहीं होता तो कृषि बिल पर जो स्टे ऑर्डर लगाया है, जुडिशरी ना लगाती, चेक एंड बैलेंस ना करती, तो ये जो समन्वय चेक एंड बैलेंस है कि एक को दूसरा करेक्ट करेगा, हमारे यहाँ यानी भारत में इस तरह की व्यवस्था जो है वह वर्तमान में मौजूद है। क्लियर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में हमने नवीं कक्षा में पढ़ा था। लोकतांत्रिक संस्थाओं में क्या देखा था, संसद की बात की थी, न्यायपालिका की बात की थी, कुछ सरकारों की बात की थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो इसमें हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। हमने क्या देखा था, किसके प्रति जो मंत्रिपरिषद है वह उत्तरदायी है, लोकसभा या राज्यसभा, बताइए कमेंट करके जल्दी से बताइए। समझ में आ रहा है आप सभी को, सभी बच्चों को समझ आ रहा, नहीं आ रहा जल्दी से बताओ एक बार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। देखिए ये जो लाइन्स हैं बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। एकदम मैं 3 स्टार दे देती हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वह बिल्कुल डेफिनेटली बनते ही बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 कथन आ गया, एक में मैं आपसे रिविजन में या फिर कल मैं इसके क्वेश्चन शामिल करूंगी, ठीक है। तो रिविजन में ध्यान रखिएगा इस चीज को, यानी एक नियंत्रण और जो संतुलन की जो व्यवस्था है वह हमारे यहाँ बनी हुई है। सेकेंड है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय सरकार हो। हमारे देश में क्या है, संघ सरकार है, राज्य सरकार है, प्रांतीय स्थानीय सरकारें हैं, ठीक है। तो पूरे देश के लिए जो कानून है या फिर भारत के बाहर जो नागरिक रह रहे हैं भारत के, उन पर कानून कौन बना सकता है, तो उन पर कानून बनाने का भी अधिकार हमारे यहाँ संसद को है। ये प्रश्न यूपीएससी पूछता है कि संसद के बनाए गए कानून कहाँ कहाँ लागू होंगे, वहां वहां लागू होंगे जहां जहां एक भारतीय जाएगा, ठीक है। सो पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। फिर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की भी सरकारें हैं, हर जगह अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। भारत में हम इसे राज्य सरकार कहेंगे, ठीक है। तो कुछ स्तर की हमने सरकार की बात कर ली कि जब हम प्रांतीय स्तर की बात करेंगे हम राज्य सरकार की बात कर सकते हैं, ठीक है। और हमने पूरे देश की या फिर संघ सरकार, फर्स्ट हमने केंद्र सरकार की बात की, दूसरा राज्य सरकार की बात की, और वही हम जब क्षेत्रीय व्यवस्था की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, स्थानीय सरकारों की, ठीक है। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का जो बंटवारा है वह किस तरह से होगा। साथ ही साथ देखो राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी व्यवस्था है, चाहे हम नगर पालिका और पंचायतों की बात कर लें, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर इसके बाद आएगा लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो संविधान में स्पष्ट रूप से सभी के अपने क्या क्या कार्य क्षेत्र होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, इन सभी की जो बातें हैं वह की गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, 2 इसके पॉइंट और बचे, फिर है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो कि है फेडरलिज्म, संघवाद। क्लियर, दो पॉइंट और इसमें बचे हैं, वो और समझ लो। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई,
धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है, सत्ता का जो बंटवारा, जैसे अभी हमने बात की कि हमारे देश में स्पष्ट व्यवस्था है कि सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट होगी, और इसके पहले जो हमने फर्स्ट विशेषता देखी कि चूंकि हमारे यहाँ एक क्षैतिज जो बंटवारा है यह भी फॉलो किया गया है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में, तो यह भी किस तरह से सत्ता की जो साझेदारी है इसका एक रूप है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो कि जो सत्ता का बंटवारा है वह किस तरीके से हो सकता है, कि जो भाषाई धार्मिक समूह है इनके बीच में भी, ठीक है, इसमें बेल्जियम का, श्रीलंका का कुछ जो उदाहरण है वह दिया गया था, तो आप सभी के पास जो पीडीएफ अवेलेबल होगी उसमें वो सारी चीजें होंगी, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। देखो चूंकि हमने यहाँ समूहों की बात की है, हमने भाषाई समूहों की बात की गई है तो संविधान में इस बात का जो प्रावधान है वह भी किया जाता है कि समाज का जो ऐसा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, मान लीजिए उसके लिए नीतियां बहुत अच्छी नहीं है, तो वह खुद भी जो वर्ग है वह उस हिस्सेदारी में आए, शामिल हो और अपने लिए जो नीतियां है वह बनाए, ठीक है। और हमारे देश में जो एक प्रचलित हम आरक्षित चुनाव की बात करते हैं, आरक्षित चुनाव क्षेत्र की बात करते हैं, वह ऐसी ही एक व्यवस्था है। क्लियर। इसी तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग जो तरीके हैं उस पर चर्चा हम चैप्टर 2 में करेंगे, ठीक है, चैप्टर 2 नहीं इकाई 2 में करेंगे, इकाई 2 में। अब लास्ट है इसका कि सत्ता का जो बंटवारा है उसका एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके के भी में भी लक्ष्य कर सकते हैं। ये मेन्स में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी, दबाव समूह किस तरह की जो नीतियां हैं वह प्रभावित करेगा। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच में चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध है। पार्टी सत्ता के लिए आपस में, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। देखो हमने देखा था लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता में कि जो इलेक्शन है, इवन वो इलेक्शन बहुत ही ज्यादा निष्पक्ष होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पार्टी है, इवन एक से ज्यादा दल हो, आपके पास एक विकल्प तो इवन अवेलेबल हो ही कि आप किसे चुने किसे ना चुने, पसंद ना पसंद अलग बात है ना। सो पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इसी बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। हमने इस चीज को देखा था कि जब एक से ज्यादा पार्टियां होती है, लोगों के पास एक से ज्यादा विकल्प होते हैं, हमें ये किसी भी सत्ता की निरंकुशता से भी बचाते हैं। बारी बारी से जो सत्ता है, आपको हर 5 वर्ष में एक मौका मिलता है जब आप अपने लिए, आप पर शासन कौन करेगा, आप उसको चुन सकते हैं। क्लियर। चलिए ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, आपको इसमें सिर्फ 2 बातें समझनी थी। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 2 पर, जो कि है संघवाद, जो कि है फेडरलिज्म। क्लियर। जो कि है फेडरलिज्म, सबसे फर्स्ट ये बताओ, सभी को क्लियर है नहीं है? एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी भी जो भूले भटके लोग हैं वह आ जाएं। चलिए संघवाद, फेडरलिज्म, भारत को आप क्या नाम देंगे, भारत क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री हम कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में क्या गणराज्य शब्द की बात की गई है, भारत में क्या गणराज्य शब्द की बात की गई है, और अगर गणराज्य शब्द की जो बात है भारत के संदर्भ में प्रस्तावना में की गई, प्रियम्बल में की गई, आप सभी को याद होगी ना प्रियम्बल, अगर उसमें की गई तो उसके आगे और पीछे कौन से शब्द लिखे हुए हैं, मुझे ये बताइए। तब तक मैं फेडरलिज्म को आपको समझाने की कोशिश करती हूं। सो संघवाद इंग्लिश में फेडरलिज्म होगा। कभी कभी आपको यूपीएससी का एक ट्रेंड तो पता ही होगा कि वह संघवाद ना लिख के सीधा फेडरलिज्म को हिंदी में सीधा ऐसे ट्रांसलेट करके भी लिख देता है, केवल बस हिंदी आपको इसका मिल जाएगा फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म इज अ मिक्स्ड और कंपाउंड मोड ऑफ गवर्नमेंट that combined a general government, the center of federal government with a regional government, provincial, state, cantonal,
टेरिटोरियल और अदर सब यूनिट गवर्नमेंट इन अ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होता है संघवाद, जिसमें एक शब्द में मैं कहूं कि संघवाद का मतलब होता है एक से ज्यादा स्तर की सरकारें। इसके पहले भी मैं आपको संघवाद के बारे में कुछ झलक तो बता ही चुकी हूं। संघवाद का सीधा सा अर्थ है एक से ज्यादा स्तर की सरकारें, ठीक है, एक इसी का मिला जुला रूप। क्या दिखाया फर्स्ट लाइन के बाद, दैट कंबाइन अ जनरल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट संघ विथ रीजनल गवर्नमेंट राज्य, प्रोविंशियल स्टेट कंटोनल टेरिटोरियल सब यूनिट गवर्नमेंट, हमने पंचायती नगर पालिकाओं की भी बात की थी। देश में, भारत देश में तो यही है ना। अब अपने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो क्या है, संघ सरकार है, राज्य सरकार है, फिर स्थानीय सरकार है, बस यही बचे संघवाद है। यानी एक से ज्यादा स्तर की जो सरकारें हैं उसका होना, उसे हम क्या कहेंगे, संघवाद कहेंगे। यानी फेडरल की जब हम बात करते हैं, सो फेडरलिज्म किस संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, इंडिया पार्ट ऑफ फेडरलिज्म अमित, ये आप क्या पूछ रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम कहेंगे कि संघवाद की जो राजनीतिक व्यवस्था है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, नो डाउट डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हम उसके बाद अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है, संघवाद को फॉलो करता है, फेडरलिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। आइए मैं कुछ स्पेशल बातें इसके बारे में लिख देती हूँ। सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि इसमें पावर का जो है वह डिवाइड किया जाता है, द पावर इज डिवाइडेड। ऑब्वियसली बात है कि एक से ज्यादा स्तर की अगर सरकारें होंगी तो क्या वो सभी, उसमें से कोई एक शक्ति को यूज कैसे कर सकता है, सभी डेफिनेटली बात है कि सभी उसमें शक्ति का यूज अपने लिए अलग अलग करेंगे, है ना। फेडरलिज्म संघवाद, है ना, संघवाद की एक सबसे बड़ी विशेषता है द पावर इज डिवाइडेड इन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड बाकी। इन बिटवीन द नेशनल एंड अदर, ठीक है, या फिर हम नेशनल स्टेट जो हमारे यहाँ का सिस्टम है वह भी हम लिख सकते हैं, एंड लोकल। बस एक से ज्यादा के स्तर की सरकारें हों और विभिन्न जो एक से ज्यादा गवर्नमेंटल जो यूनिट्स हैं उनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वह किया जाए, इसे ही हम कहेंगे संघवाद, इसे ही हम कहेंगे फेडरलिज्म, ठीक है। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, मैं आपके सामने कुछ विशेषताएं लिख रही हूँ जो यूपीएससी ने पूछी, ठीक है, वो इस क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी पूछता है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो संघवाद की नहीं है। मैं यहां कुछ विशेषताएं लिख रही हूं जिसमें से एक मैं मिटा दूंगी, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर रही हूं। यूपीएससी पूछता है कि कौन सी जो विशेषता है वह फेडरलिज्म की नहीं है। मैं चार विशेषताओं को लिखूंगी, आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कितनी बातें मैंने इसमें लिखी, दोहरी सरकार, इन शब्द के इंग्लिश भी साथ साथ सभी बच्चे जानते जाओ, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, सुप्रीमेसी यानी संविधान की सर्वोच्चता और जुडिशरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है।
न्यायपालिका की। अब आप ऐसी कौन सी विशेषता है जो आप इसमें से हटाना चाहेंगे, बताइए जल्दी से सभी फ्रेंड्स। एंजल, अमित, मेहनाज, अब्दुल यादव, शिवांश, खुशी, कविता, नीर, शिल्पा, सुषमा, जल्दी से बताइए ऐसी कौन सी विशेषता है जो चार आपके सामने लिखी है, आप इसमें से एक हटाना चाहेंगे। ठीक है, सो कविता, आनंद, काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि ये पहली जो विशेषता है आप इसमें से हटाना चाहेंगे। आपके हटाने से क्या होता है, आपके हटाने से कुछ भी नहीं होता है, इसमें ऐसी कोई भी विशेषता नहीं है जो हट सके। यूपीएससी ने पीटी पे क्वेश्चन पूछा था कि जो संघवाद है उसमें कौन सी विशेषता है या नहीं है। सो देखो, दोहरी सरकार, जब मैंने कहा यार शब्दों का अर्थ समझो, मैंने कहा दोहरी सरकार हमने शब्द नहीं कहा, जब हमने अर्थ देखा हमने कहा एक से अधिक स्तर की सरकार है, एक से ज्यादा स्तर की सरकार है तो दो, एक से ज्यादा स्तर ही, अगर मान लीजिए कहीं पर केवल दोहरी सरकार है। हमारे यहाँ जब स्थानीय व्यवस्था पूरी तरह से नहीं थी, संवैधानिक रूप से नहीं थी, जब पंचायत और नगर पालिका से संबंधित संशोधन नहीं हुआ था, तब हम कहेंगे केवल केंद्र और राज्य था, कहीं कहीं केवल केंद्र और राज्य सरकारें होगा, हो सकता है संवैधानिक रूप से या फिर लिखित रूप से जो स्थानीय सरकार है वह ना हो, कोई और व्यवस्था उसके लिए चल रही हो। तो ये सब क्या है कि दोहरी सरकार भी इसका जो एक विशेषता है वह है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ तीन स्तर है सरकार की तो हर जगह तीन स्तर हो, ऐसी जगह जहां पर केवल दो स्तर की सरकार है तो एक से ज्यादा तो हो ही गई ना, तो डेफिनेटली ये है। अब लेकिन ये देखो कि अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो आप शक्तियों का विभाजन कैसे करोगे, क्योंकि जब मैंने आपको संघवाद का जो एक डेफिनेशन आपको बताया कि ये क्या है, पावर का डिवाइड कर देना बिटवीन द नेशन एंड स्टेट एंड लोकल बॉडीज या फिर जो भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, जरूरी नहीं है जो भी आपको नेशनल जो यूनिट्स हैं जो पॉलिटिकल, उनके बीच में डिवाइड कर देना चीजों का, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, शक्ति का विभाजन, वही तो संघवाद है। तो चाहे दोहरी सरकार उस चीज को विभाजन करे, चाहे तेरी सरकार हो, हमको उससे क्या मतलब, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दोहरा भी हो, तेरा भी हो या फिर कहीं पर चौथी सरकार भी अवेलेबल हो, तो आपको तो हाँ ही करना है, बिकॉज ऑफ एक से ज्यादा स्तर की सरकार है तो हो ही रही ना। सेकंड देखो, अगर एक से ज्यादा स्तर की सरकार है तो डेफिनेटली सी बात है कि इनके बीच भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है शक्तियों के विभाजन को लेके। लेकिन अगर एक एक चीज, एक एक प्रावधान अगर लिखित है, सभी के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित है, तो डेफिनेटली बच्चे कि उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट अब देखें कि अगर आपने कुछ लिखित एक रख भी लिया लेकिन उसे कोई मान ही नहीं रहा तो क्या मतलब। हम कहते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति है वह भी कैसे संविधान के नीचे है, और आपको समझ में आता है कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सुपरमेसी है, यानी इसकी सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, कोई भी व्यक्ति संविधान के ऊपर नहीं है, है ना, कोई भी जो व्यक्ति है बच्चे वह संविधान के ऊपर नहीं है, इस चीज को हमने समझा था शुरुआत में। तो आपको उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का तो यहाँ यूज करना है, कैसे फेल मार गए इसमें। एंड नेक्स्ट है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसके बाद भी अगर कुछ विवाद हो जाए तो फिर हमारे पास एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो हमें चेक एंड बैलेंस कर सके। सो उसके लिए बखूबी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, काफी सारे उसके पास अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश में, तो वह डेफिनेटली जो इसकी स्वतंत्रता है वह फेडरलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सो ये जो फोर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वह मैंने आप सभी बच्चों को बताए। क्लियर है या नहीं है, अभी भी दोहरी सरकार में कंफ्यूजन है, बताइए जल्दी से। क्लियर है सभी को, चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा एक और मुद्दा उठता है कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत की बात करते हैं भारत भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों ही बड़े विशाल देश है डेमोक्रेटिक, लेकिन संख्या के हिसाब से तो हमसे कौन ही जीत सकता है, चीन ही जीत रहा है, कोई बात नहीं, जीते देते हैं अभी उसको। ठीक है, कुछ समय बाद हम उसमें भी आगे हो जाएंगे, इस तरह से सब चलता रहा तो। सो आगे एक मुद्दा फेडरलिज्म में उठता है, अमेरिका वर्सेस इंडिया।
हम इसमें ये देखते हैं कि अगर अमेरिका में भी फेडरलिज्म है, इंडिया में भी फेडरलिज्म है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यूपीएससी पूछता है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो डिफरेंस है उसके फेडरलिज्म में वह क्या है, क्या है यह शब्द। हमने आर्टिकल वन में, ठीक है, भारत में आर्टिकल वन में क्या कहा गया है कि जो भारत है वह एक, क्या कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया ना। जब हम भारत में संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो परिचय है वह एक किससे होगा, एक आर्टिकल से होगा। तो इंडिया में हमारे संविधान का जो आर्टिकल शुरू होता है बच्चे, आर्टिकल वन, ये कहता है इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत, है ना, इंडिया दैट इज भारत। सिर्फ इंडिया लिख देती हूँ, ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है हमारा स्टेटस, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ। हमें ये जो दर्जा है ये कब मिला, आधिकारिक रूप से 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, 1950। और जब हम बात करते हैं अमेरिका की, ठीक है, जब बच्चे हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका को ये कब मिला था, अमेरिका को फेडरल रिपब्लिक स्टेट का जो दर्जा है, अमेरिका एक फेडरल रिपब्लिक स्टेट 1789 में बनता है, 1789 में, क्लियर, 1789 में बनता है। लेकिन इन दोनों के स्टेटस में आपको जो डिफरेंस है वह ये समझना है कि अमेरिका में क्या हुआ था कि मान लीजिए अमेरिका में टोटल जैसे 50 स्टेट है, तो उन 50 स्टेट वो पहले से ही थे, फिर उन्होंने कहा, पहले वो अलग थे, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपस में मिलकर एक संघ बनाते हैं। तो अमेरिका में जो स्टेट मिले हुए हैं उन्हें अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारत में ऐसा जो फेडरल है वह किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं, हम शुरू से ही एक थे, ठीक है। यानी अमेरिका के जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, जब अमेरिकी संघ की बात करते हैं, तो वह एक समझौते का परिणाम है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो वह किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो भारत ये राज्यों का संघ है। देखो, मान लो हमने एक टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर एक संघ बना दिया, है ना, इसे भी हम संघ कह रहे हैं, ये हो गया अमेरिका। और एक हमारे यहाँ एक ही टुकड़ा था, ठीक है, हमने इसे संघ बनाया कि हमने कुछ इसमें बाद में जो राज्य है और एक संघ है, ठीक है, एक केंद्र है। तो ये दोनों ही आपको सेम दिख रहे हैं, बट ये है सेम नहीं, क्योंकि एक को जोड़कर बनाया है, एक ऑलरेडी था, समझे इस चीज को। तो जिसे जोड़कर बनाया वो अमेरिका था, और अमेरिका में जो स्टेट है ना, अमेरिका में राज्यों को अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारत को, भारत में जो राज्य है उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ जो संघ है वह मजबूत है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर कोई रक्षा किए हुए है तो वह उसके उसके पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज काम करती है, जो एक प्रोविजन काम करता है, जो एक प्रावधान है, वह यही है कि हमारे यहाँ जो केंद्र है वह मजबूत है। मान लो ऐसे तो फिर हम खालिस्तान दे दें, ऐसे तो किसी ने कहा कि ठीक है हमें केरल अलग चाहिए, कर्नाटक अलग चाहिए, अरुणाचल अलग चाहिए, यूपी अलग चाहिए, कश्मीर अलग चाहिए, तो फिर ऐसे तो जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो मेन चीज आपको ये देखना है कि चूंकि एक मजबूत संघ है, चलती फिर लास्ट में संघ की है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। यूपीएससी इसी तरह के से क्वेश्चन जो है वह पूछती है कि भारत में अगर हम संघवाद की बात करें, चूंकि संघवाद एक से अधिक स्तरों की बात करता है, लेकिन उसके बाद भी शक्तियों का जो झुकाव है वह संघ सरकार की ओर है, तो क्या ये पॉजिटिव है। बिल्कुल पॉजिटिव है, भारत में एक मजबूत संघ अगर ना होता तो फिर हम इतने एक नहीं रह पाते, विभिन्न तरह के चाहे आंदोलन किसी भी चीज को लेकर होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज हम एक अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ केंद्र मजबूत है, वो किसी के चलने नहीं देता, ठीक है, अगर आप अलग होने की बात कहोगे तो वो चलने नहीं देगा। तो यही कारण है कि जब हम आर्टिकल 11 में, है ना, शायद मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, तो कि आर्टिकल 11 में संसद के पास एक खुला क्षेत्र अधिकार है कि वह भारत का जो पॉलिटिकल मैप है उसे अपने अनुसार डिवाइड करेगी। कैसे, हमने कहा कि कश्मीर पहले मान लीजिए पूरा एक विशेष राज्य था, फिर हमने कश्मीर को डिवाइड कर दिया, कहा कि अब ये दो यूटीज हो गए, यहाँ पर कश्मीर हो गया, यहाँ पर लद्दाख हो गया। तो ये किसी से पूछ के किया, और इसमें तो कोई विशेष संशोधन की भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक सामान्य जो प्रस्ताव है वह पारित करके संसद को ऐसा करने का अधिकार है। यानी एक मजबूत संघ है हमारे पास,
ठीक है, तो अमेरिका वर्सेस जब हम इंडिया की बात करते हैं कि अगर हम दोनों को संघ कहें, दोनों लोकतांत्रिक हैं, फिर इसमें क्या अंतर है? तो बच्चे जो ये कंपैरिजन, जो आपको कंपैरिजन है ना, जो तुलनात्मक अध्ययन है कि इंग्लैंड में क्या है, भारत में क्या है सेम व्यवस्था, जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? कौन सा राष्ट्र, जैसे हमने कहा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत के, भारत देश का जो राष्ट्रपति की हमने व्यवस्था ली, वह किसके समकक्ष है? इंग्लैंड के, अमेरिका के, या फिर किसी और देश के? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंग्लैंड की महारानी के सादृश्य हमारे यहाँ की व्यवस्था, चूंकि वह नाम मात्र का एक तरह से कार्यपालिका प्रमुख होता है, असली शक्तियाँ तो पीएम ही करता है, ठीक है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। तो ये जो मुद्दे हैं आपको याद रखने हैं, काफी सारे जो चीजें बच्चे इसमें इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आगे चलते हैं। फेडरलिज्म क्या इसकी विशेषता है, कुछ चीजें, एंड साथ ही साथ अमेरिका वर्सेस जो इंडिया है, यह भी मैंने आपको समझा दिया। 10-15 मिनट और आपकी जो क्लास है बच्चे वह चलेगी। इस चैप्टर के हम केवल दो टॉपिक करेंगे, दो टॉपिक कल करेंगे हम इसके, ठीक है, कल के चैप्टर्स के साथ। चलो, तो संघवाद क्या है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच में बंट जाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। क्या लिखा है, मैंने आपसे ड्यूअल गवर्नमेंट कहा था ना, वो सही था, बस यही शब्द तो आपको पढ़ने हैं। दो स्तर की आमतौर पर होती हैं, इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होगी जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे, और फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होंगी जो कि शासन के दैनंदिन या दैन बाकी जो कार्य है उसे देखेगी। सत्ता में इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, और इसके अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था का एक ऐसा रूप जहां पर दो स्तर की सरकारें नहीं, एकात्मक में केवल एक ही स्तर की सरकारें होंगी, है ना। और जब हम दो स्तर की सरकारें की बात करते हैं, दो स्तर की सरकार होना मतलब संघीय व्यवस्था। अब कभी कभी विशेषताओं से भी पैटर्न पूछ लिया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि दो स्तर की सरकारें, दो स्तर की सरकार को कौन सी व्यवस्था कहा जाएगा, एकात्मक व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, गणराज्य व्यवस्था, क्या कहेंगे आप? संघीय व्यवस्था है ये। तो सभी व्यवस्थाओं की जो विशेषता है, वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, आगे भी पूछती रहेगी, सभी जगह क्वेश्चन आते हैं, सो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसे। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। अब देखो, आपको डिफरेंस दिखा, सभी को डिफरेंस दिखा नहीं दिखा? हमने कहा कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें केवल और केवल एक स्तर की सरकारें होती हैं, और संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं, ठीक है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। आपने यहां पर क्या देखा था कि सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होती हैं। हम देखेंगे कि भारत में जो एक संघीय सरकार का मॉडल है, उसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार, है ना, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। किसमें विभाजन है? सातवीं अनुसूची में, सेवन शेड्यूल में, और उसमें अलग अलग तीन सूचियां बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है, ठीक है। ये संघीय व्यवस्था की बात की गई। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि संघीय व्यवस्था की विशेषता के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश क्या दे सकती है? फर्स्ट ध्यान रखना, नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। इसमें दो बातें आपको बच्चे सीखने को मिली कि फर्स्ट तो चीज है कि जो केंद्र है वह राज्य को आदेश नहीं देती, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी अथॉरिटी होती है, एक ऑटोनोमी होती है, थोड़ी सी जो स्वतंत्रता है राज्यों को भी मिली है। और वही जब हम बात करते हैं कि क्या, अगर मान लीजिए राज्य सरकार कोई काम कर रहा है, है ना, मान लीजिए कोई योजना वगैरह या कुछ भी, तो क्या वह जवाबदेह है केंद्र के लिए? तो फिर नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों का जवाबदेहता तय करती हैं। संघीय व्यवस्थाओं की कुछ और विशेषताओं पर भी हम गौर करते हैं।
ठीक है। तो आप आई होप आप सभी बच्चे संघीय स्तर की क्या विशेषता है उसे आप सभी बच्चे समझ चुके हैं, है ना। अब मैं इसकी विशेषताओं की बात करूंगी। चैप्टर टू संघवाद पे हम फर्स्ट देख रहे हैं कि संघवाद क्या है और इसकी क्या विशेषता है। सेकंड हमें इसमें देखना है भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह कैसी है, जैसे संघीय व्यवस्था के यहाँ पे हमने अर्थ में देखा कि दो स्तरों की सरकारें होंगी, बट हम भारत की संघीय व्यवस्था में बात करेंगे कि अच्छा तीन स्तर की भी सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट को भी हम जोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था चलती कैसे है। संघीय व्यवस्था कैसे कार्य करती है, ठीक है, संघीय व्यवस्था कैसे कार्य करती है। और चौथा हम इसमें देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, संघीय व्यवस्था कैसे कार्य करती है। इसमें कुछ सब टॉपिक होंगे जैसे भाषाई राज्य, जैसे भाषा नीति, जैसे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध एंड चौथा इसमें कुछ भी नहीं। तीन बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये होगा हमारा चैप्टर टू, संघवाद क्या है, क्या विशेषताएं हैं, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कैसे कार्य करेगी, भारत में जो डिसेंट्रलाइजेशन है, केंद्र राज्य संबंध, भाषा नीति और भाषाई राज्य, क्लियर। इन सभी पर हम बात करेंगे। सभी बच्चे आप सभी ने अभी तक देखा कि जो फेडरलिज्म है वह क्या है, ठीक है, भारत में इसकी क्या विशेषताएं हैं और अमेरिका वर्सेस इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसको भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था, ठीक है, शासन व्यवस्था में कितने स्तर की सरकारें हैं और साथ ही साथ कैसे विधायी अधिकारों को बांटा है, बदलाव के लिए क्या सूचियां हैं और बाकी सारी चीजें। तो एक इंट्रोडक्शन आपका संघवाद से मैंने आज की क्लास में करा दिया। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही, बाकी अब हम कल की क्लास में इसे कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है। सो 11 बजे रोज क्लास होती है, जो नए स्टूडेंट है वह भी सुन ले, और अनएकेडमी पर जो मेरे स्पेशल क्लासेस होते हैं वह शाम को होते हैं 6 बजे। अगर आपकी जो क्लास है वह हुई तो 4 बजे तक जो नोटिफिकेशन है वह आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो सभी बच्चे जुड़े रहे, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहे और साथ ही 11 बजे क्लास में जरूर आ जाएं, ठीक है। चूंकि अब 27 जून को आपका एग्जाम है, सो बच्चे ढील ना करें बिल्कुल भी, जो भी आपके पास समय है उसका बेहतर यूज आपको करना है। बहुत ही जल्द मैं डे वाइज स्ट्रेटेजी को लेकर आप सभी के सामने आऊंगी, ठीक है, प्लस पर भी, एप्लीकेशन पर भी मैं क्लास दूंगी एंड यूट्यूब पर भी। सो थैंक यू वेरी मच, बट सभी फ्रेंड्स जुड़े रहिए, ठीक है। जो नए बच्चे हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आप सभी को मिलते रहें।